ओम शांति बाबा ने सिखाया तुम्हें देना है पर वो कौन बनेगा कि मुझे देना है कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है क्या देना है जो आप दूसरों से चाहते हो वो देना जानते हो हम दूसरों से क्या चाहते हैं? मान सम्मान रिगार्ड सब कुछ चाहते हैं जो भी संबंध संपर्क में आए हमको वो सब दे तो जो दूसरों से चाहते हैं वो अपने से पूछो मुझे दिन आता है तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा अगर याद रहेगा कि मैं कौन कोई मान दे कोई नहीं दे वह नहीं दे लेकिन मुझे देना है कर पाते हैं कोई मान सम्मान कोई रिगार्ड ना दे तो कैसे एकदम कैसा लगता है हा? और आप अगर सोच ले कि वो दे ना दे मुझे तो देना ही है मुझे मेरे बाप ने दिया हुआ है मेहनत लगती है ये नहीं कि वो मेरा रिगार्ड नहीं करता तो मुझे क्यों करना उसका रिगार्ड आजकल रावण क्या संस्कार दे रहा है ऐसे ही चिंतन चला रावण ऐसा संस्कार सब में डाल रहा है कि सबको लगता है मान देने से मान मिलता ही नहीं है तो मुझे क्यों देना रिगार्ड देने से रिगार्ड मिलता ही नहीं है तो मुझे क्यों देना प्यार से बात करने से काम बनता ही नहीं है तो मुझे प्यार से बात ही क्यों करनी ऐसा संस्कार सबके अंदर ही हो है कोई आराम से प्यार से सब कुछ करेगा तो समझते अरे ये तो मूर्ख है चलो वो तुमको मूर्ख समझेगा पर बाप तुमको क्या समझेगा तुमने किसका कहना माना है तुम किसके कहे पे चल रहे हो कोई तुमको मान दे ना दे तुम्हें देना है ऐसा चिंतन अपने अंदर लाना पड़ता है और फिर वैसा बनना पड़ता है इसीलिए कहा जो दाता होगा ना वो क्षमा का सागर होगा ऐसा नहीं कि उसके सामने ऐसा कोई सीन नहीं आएगा वो देने वाला होगा पर अचानक ऐसा सीन आएगा कि इसको नहीं देना है तो बता कोई मान दे कोई नहीं दे वह नहीं दे लेकिन मुझे देना है ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए